हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि हमें रातों में खर्राटे क्यों आते हैं और कोरियंस दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? तो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखते रहना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, गाइस क्या आपको पता है कि अक्सर सोते वक्त हमें खर्राटे क्यों आते हैं? दरअसल गाइस, जब हम सोते हैं तो हमारी जीभ, मुंह और गले की मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे हमारे टिश्यू ढीले हो जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तब हवा के दबाव की वजह से हमारे टिश्यू में वाइब्रेशन होता है और ये पार्शियली हमारे विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस वाइब्रेशन की वजह से खर्राटे आते हैं। फैक्ट नंबर टू, गाइस क्या आप लोगों को पता है कि कोरियन दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दरअसल गाइस, कोरियन सभ्यता के अनुसार अगर कोई कोरियन दाढ़ी बढ़ाता है तो लोग उसे पागल या फिर भिखारी समझते हैं और इसे लोग निगेटिविटी फैलाने वाले के रूप में देखते हैं। एंड गाइस, ये भी एक कारण है कि कोई भी कोरियन कंपनी किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को जॉब के लिए नहीं रख सकती है। फैक्ट नंबर थ्री, गाइस कहते हैं ना, जो दिखता है वैसा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने पिज्जा का एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा, जिसमें पिज्जा का एक टुकड़ा खींचते ही इसके स्ट्रिंग इतने दूर तक फैल जाते हैं एंड इसे देखकर हमारे मुंह में पानी भी आ जाता है। एंड गाइस, हम लोग उसे खरीदने चले जाते हैं। दरअसल गाइस, इस पिज्जा को बनाते वक्त उसके टुकड़ों के बीच में ग्लू लगा दिया जाता है और जब हम इसे खींचते हैं तो वो हमें एकदम चीजी सा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर फोर, गाइस अमेरिका के एक पार्क में डेविल कैडल्स नाम का एक वाटरफॉल है जो अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। बुरुल नदी का पानी इस झरने का सोर्स है। गाइस, इस झरने का पानी घुमावदार सकरीले चट्टानी रास्तों से एक कुंड में जाकर गिरता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि झरने का गैलनों लीटर पानी पता नहीं कहां इस कुंड में गायब हो जाता है। साइंटिस्ट के बहुत कोशिशों के बाद भी अभी तक इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। फैक्ट नंबर फाइव, गाइस आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान के सिकाको नाम के गांव में इंसानों से ज्यादा पुतले मतलब कि गुड्डे गुड़िया रहते हैं। दरअसल गाइस, यहाँ 65 साल की उम्र की एक महिला सुकुमी अपने पिता की देखरेख के लिए ओसाका से यहाँ आई थी। अब उस गांव में बहुत ही कम लोग बचे हैं, इसीलिए सुकुमी गांव छोड़कर जाने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों और गांव वालों के पुतले बनाकर उन्हें चाचा, ताऊ या अपने किसी भी रिश्तेदार के रूप में बुलाती है। फैक्ट नंबर सिक्स, गाइस सड़क पर चलते वक्त हम कई लाइंस देखते हैं, हमें लगता है कि ये लाइंस ऐसे ही बनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड व्हाइट लाइन का मतलब है कि आपको अपनी लाइन नहीं बदलनी है, वहीं ब्रोकन व्हाइट लाइन का मतलब होता है कि आप सावधानी से अपनी लेन बदल सकते हैं। ऐसे ही बहुत तरीके के लाइंस होती हैं जो हमें अलग अलग इन्फो प्रोवाइड करती हैं। फैक्ट नंबर सेवन, गाइस क्या आप लोग जानते हैं कि जानवर इंसानों को क्यों चाटते हैं? दरअसल गाइस, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी मिनरल्स गेन करती है, और जब भी वर्कआउट के टाइम या फिर नॉर्मली हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे पसीने से नमक के साथ साथ कुछ मिनरल्स के पार्ट भी बाहर निकलते हैं। एंड गाइस, इन्हें कंज्यूम करने के लिए जानवर हमें चाटते हैं। फैक्ट नंबर एट, गाइस क्या आप लोगों को पता है कि उंगली चटकाने पर आवाज क्यों आती है? दरअसल गाइस, हमारी उंगलियों के हड्डियों के बीच साइनोवियल नाम का एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। इस फ्लूइड के अंदर CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस रहती हैं, जिसके कारण इन फ्लूइड में गैस बबल्स बनते हैं, और जब हम उंगली चटकाते हैं तो इन बबल्स पर प्रेशर पड़ता है और ये फूट जाते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि मछलियों को भी प्यास महसूस होती है? जी नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि मछलियां अपने गिल्स के थ्रू पानी को फिल्टर करके एब्जॉर्ब करती हैं और फिर ये इनके वाटर लेवल या फिर कहें वाटर परसेंटेज को बैलेंस रखता है। फैक्ट नंबर 10, गाइस क्या आप लोगों को पता है कि ठंड के मौसम में ही हमारे मुंह से भाप क्यों निकलते हैं? दरअसल गाइस, ठंड के मौसम में जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलते हैं। ये बाहर के ठंड मौसम में छोटे छोटे वाटर बबल्स में कन्वर्ट होकर वेपराइज होने लगते हैं और ये हमें धुएं की तरह दिखाई देते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 15। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।